दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान पटौदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। यही नहीं बल्कि इनके फैंस इनकी पर्सनैलिटी को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं और लाखों करोड़ों लोग इनके दीवाने हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी अभिनेता सैफ अली खान के बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखती हैं और किस तरह से इन्होंने आज अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाई है, शायद ही जानते होंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम आपको इनके परिवार इतिहास के बारे में ही बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अभिनेता सैफ अली खान के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेता सैफ अली खान एक मुस्लिम पटौदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात करें इनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में तो इनकी फैमिली हिस्ट्री शुरुआत होती है इनके पिता से, जिनका नाम मोहम्मद मंसूर अली पटौदी है, जो टाइगर पटौदी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पटौदी और भोपाल के नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। टाइगर पटौदी को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, क्योंकि इफ्की इफ्तिखार अली खान पटौदी मंसूर अली खान के पिता भाई इसी फील्ड में थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए क्रिकेट को ही चुना था और अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हुए थे, जहां इतनी सक्सेस पाने के बाद 27 दिसंबर 1968 को अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी कर ली थी, जिनसे ये एक कॉमन फ्रेंड की तरह मिले थे, जहां दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और 6 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर इनकी शादी में काफी रुकावटें आ रही थी क्योंकि दोनों का धर्म अलग था। इसके बावजूद दोनों ने अपनी फैमिली को काफी मनाया और टाइगर पटौदी ने शर्मिला के आगे शर्तें भी रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, और शर्मिला ने अपना धर्म बदल भी लिया और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर आयशा बेगम कर लिया था, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए थे, बेटा सैफ अली खान और बेटी सबा अली खान और सोहा अली खान। और आपकी जानकारी के लिए बता चलें कि सैफ अली खान के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो साल 2011 में एक गंभीर बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करें सैफ अली खान की बहनों के बारे में, तो आपको बता दें इनकी 2 बहनें हैं, जिनका नाम शब्बा अली खान है, जो बाय प्रोफेशन ज्वेलरी डिजाइनर हैं और अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं, और इन्होंने आज तक शादी नहीं की है, सिंगल ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। और इनकी दूसरी बहन का नाम है सोहा अली खान, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तुम मिले और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में काम किया और साल 2015 में अभिनेता कुणाल खेमू से शादी करके अपना घर बसा लिया, जिनकी आज एक बेटी भी है। और सैफ अली खान अपनी बहनों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अब बात करें फैमिली स्टार यानी सैफ अली खान के बारे में, तो आपको बता दें सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में हुआ था, जहां उन्होंने अपने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई कम्प्लीट की थी और दिल्ली से ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद इनका इंटरेस्टिंग एक्टिंग में था और इन्होंने कई फिल्मों के लिए ऑडिशंस भी दिए और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से फिल्मों में अपना पहला डेब्यू किया, जहां से ये दर्शकों के नजर में आ गए। और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और साल 2003 में कल हो ना हो जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तो वहीं आगे चलकर इन्होंने टशन और तनाजी जैसी फिल्मों में काम किया। ऐसे ही इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई, जिसके बाद ये दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे, जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अब बात करें सैफ अली खान की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह थी, जिनसे उन्होंने 1991 में शादी की थी, जिनसे इनके 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। और पहले पत्नी के डायवोर्स के बाद इन्होंने साल 2012 में अभिनेत्री करीना कपूर से शादी की थी, जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिनसे आज इनके 2 बच्चे हैं, तैमूर खान और जहांगीर खान, जिनके साथ ये काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और अपनी फैमिली के साथ काफी खुश हैं। वेल दोस्तों, सैफ अली खान की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।